हमें हंस की तरह सार तत्व ही क्यों ग्रहण करना चाहिए? आइए जानते हैं चाणक्य के इस नीति से। अनंत शास्त्रं बहुलास्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। अर्थात वेद शास्त्र अनंत हैं और विद्याएं भी बहुत सी हैं, निश्चय ही समय बहुत कम है और विघ्न बहुत हैं, इसलिए इन शास्त्रों में जो सार तत्व हो वही ग्रहण करने योग्य हैं। जैसे हंस दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को ही ग्रहण कर लेता है। व्याख्या: विश्व में ज्ञान का प्रकाश देने वाले शास्त्र अनंत हैं और विद्याएं भी बहुत हैं, विद्याओं का अंत नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि इनकी अपेक्षा समय बहुत कम है और विघ्न अत्यधिक हैं, अर्थात यह जीवन समस्याओं से भरा पड़ा है। समय कम से आचार्य का तात्पर्य है कि यह जीवन बहुत छोटा है, न जाने कब मृत्यु ग्रस ले, अतः इन शास्त्रों में जो सार है उसे ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे हंस दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। सज्जनों, यदि आपको चाणक्य की इस नीति से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो ऐसे ही और भी चाणक्य नीति सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने के साथ ही इस नीति को लाइक, शेयर और कमेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद।